तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लेजी क्लासेस में। एक प्रश्न जो मुझसे बहुत 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 बार पूछा गया है, और ये प्रश्न है कि क्या ये वैकेंसी समय से पूरी हो पाएगी। और ये सच में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, ठीक है। इससे पहले चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यहाँ से आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। और पहले मैं नहीं बताता था अपने बारे में, पर लोग थोड़ा सा डाउट करते हैं इसलिए मुझे बताना पड़ता है, ठीक है। सीजीएलपी 2017 दे चुका हूँ, स्टेट पुलिस 2 से 3 बार मैं क्वालिफाई किया, रेलवे लोको मेंस और ग्रुप डी जैसे एग्ज़ाम और एनटीपीसी मेंस जैसे एग्ज़ाम मैंने दिए हैं। एसएससीजीडी में बहुत अच्छे मार्क्स से मैं क्वालिफाई हुआ, एनटीपीसी का एमटीएस का मैंने मेंस दिया है, बहुत सारे हैं, ठीक। और बीएड एग्ज़ाम में मैं रैंक होल्डर भी रहा हूँ। इसको मैंने ऐड अभी हाल ही में किया है, रीज़न क्या है कि लोग बीएड के बारे में मुझसे पूछ रहे थे, ठीक है। चलिए, ये आप मेरे बारे में हो गया। एक प्रश्न जो सब लोग यही पूछ रहे हैं, ठीक है, कि सब लोग एग्ज़ाम डेट बता रहे हैं, कोई ये नहीं बता रहा है कि ये पूरा प्रोसेस कब तक कम्प्लीट होगा। देखो, ये एक बहुत बड़ा एक वो है कि भाई साहब ये बना हुआ है, ठीक है, वो बना हुआ है ना, रहस्य बना हुआ है। सबसे पहली चीज़ ये है कि एग्ज़ाम, यदि आपका एग्ज़ाम ही नहीं होगा तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। सारी चीज़ें क्या है, एग्ज़ाम पे ही डिपेंड करती हैं, चाहे वो फिर 2016 वाली वैकेंसी हो या फिर 2011 वाली वैकेंसी हो। 2011 में भी आप जानते हैं प्री और मेंस था, ठीक है, वहाँ पर प्री करवाने बाद 1 साल बाद एग्ज़ाम लिया था, ठीक है, वहाँ पर अखिलेश की सरकार थी, ठीक है, तो उसमें तो 3 साल लगे थे। 2016 में क्या हुआ कि 2016 का एग्ज़ाम 2017 में हुआ और 2018 में कंप्लीट कर दिया गया सब कुछ, और इनको ज्वाइनिंग दे करके ट्रेनिंग पे भेज दिया गया जितने बच्चों को भेजना था। तो इनका प्रोसीजर, जो योगी सरकार का प्रोसीजर है, वो 1 या 1.5 साल में कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो आपका अभी फॉर्म आया है, तो वो फॉर्म आया है मई में, ठीक है, सॉरी अप्रैल में, तो अप्रैल में फॉर्म आया है, तो अप्रैल में फॉर्म आया है और अभी भरा जा रहा है, 30 मई तक भरा जाएगा। तो ये तो प्रोसीजर ऐसे ही हो गया, प्लस कोविड के केसेस अब थोड़ा सा डाउन हुए। अब ये डाउन हुए कि सरकार दिखा रही, खैर अलग बात है, क्योंकि न्यूज़ चैनल में तो लोगों की त्राही तहाई मची हुई है, नहीं गांव देहात में हर जगह लोग पट्ट पट्टे गिर रहे हैं, मतलब इतना कभी मैंने इतना ख़राब मंजर नहीं देखा था अपनी जीवन काल में, ठीक है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि पहले एग्ज़ाम करवा लें, ठीक है, आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बढ़िया से करें, बढ़िया से तैयारी करें और अपने आप को मजबूत बनाएं, ठीक है। देखो, आपको बताया, पिछले 3 साल से इसका इंतज़ार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और यदि अब इस समय अब किनारे पे हो भाई साहब, अब ये किनारा है और किनारे से तुम यहाँ पर हो, बस किनारे के पास पहुँचने वाले हो, और यदि तुम अब हिम्मत हारना चाहते हो तो भाई साहब लौट जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर यही है कि आपको इससे दोगुना रास्ता पीछे लौटना पड़ेगा जो आप कर नहीं पाओगे, तो थोड़ा सब्र रखो, एग्ज़ाम भी होगा और भर्ती कंप्लीट भी होगी, जल्द से जल्द होगी, ठीक है। और यदि तुम अपने एग्ज़ाम को बूस्ट करना चाहते हो, ठीक है, क्या भाई साहब और अच्छी तैयारी हो सके, क्योंकि सिलेक्शन तो एक ही बार होना है ना, तो यदि आप और अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारा बैच ले सकते हैं, वर्दी बैच, ठीक है। इसकी जो 20 तारीख तक ये ओपन है, 20 तारीख तक आप इसमें एडमिशन करा सकते हैं, और बेहतरीन बैच है, ठीक है, बेहतरीन बैच है, मज़ेदार है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी है बच्चों का, और चाहे वो पॉलिटिक का हो, मूल विधि का हो, है नहीं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, उनको बहुत बढ़िया से, मतलब उनके कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की काम मैं करवा रहा हूँ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर पॉलिटी, मूल विधि और इकोनॉमिक्स 399 बहुत कम वैल्यू है, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी, और आपके सपनों के लिए तो यार ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। यदि आप 2 स्टार देखना चाहते हो, सही पढ़ना चाहते हैं, तो आप इनरोल कर सकते हैं, ठीक है, बढ़िया से आप इनरोल कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, ये नहीं कि मतलब सब फट्टेबाजी नहीं भाई, सब थोड़ा बहुत आप बिलीव करेंगे, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। प्रोसेस जो है, अब प्रोसेस के भी बारे में बात कर लेता हूँ, यदि अगस्त और सितंबर कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी, अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम करवाते तो ये 90% चांस है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये देश करवा सकते हैं, ठीक है, और दिसंबर में कंप्लीट करके मार्च में ज्वाइनिंग दे सकते हैं, क्योंकि हर एक प्रोसेस में 2 महीने का समय तो ये लेते ही लेते हैं, जाहिर सी बात, बहुत रैपिड फायर तरीके से करे तो खैर अलग बात है, ये फरवरी में दे दे। कुछ बच्चे कह रहे थे यार मार्च में तो चुनाव मार्च में नहीं शुरू होंगे, ठीक है, चुनाव अप्रैल में शुरू होंगे, मई में रिजल्ट आएगा, ठीक है, अप्रैल मई, तो ये है कि फरवरी से यहाँ रैली शुरू हो जाएंगी,
तो रैली जब शुरू हो जाएंगी तो थोड़ा सा काम धीमा होगा, पर जो काम आपका जो भर्ती कंप्लीट चल रही है वो चलती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत दिक्कत नहीं हो, चाहे वो आचार संहिता लगे कुछ भी लगे, कुछ भ्रम फैल रहा है, ठीक है। एक चीज़ और मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ हर एक वीडियो में कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं, है नहीं। यदि आप हमारे वीडियो को नहीं देखेंगे ना तो भाई साहब सब बेकार है नहीं, सब बेकार है। आप हमारे वीडियो को देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है कि हमारा चैनल अभी भी लोगों से बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, अब जैसे मैं मतलब आपकी लाइव क्लास लिया करता था ना, बस डिस्कशन लेता था। मैं देखता था पहले ऐसा कोई करता ही नहीं था कि आधा आधे घंटे एक एक घंटे का डिस्कशन ले रहे, केवल आपके क्वेश्चन ले रहे, पर अब मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने अपनी प्रवृत्ति बदली है नहीं। अब बड़े बड़े चैनल या फिर कुछ और भी चैनल हैं जो अभी उठ के खड़े हुए हैं, तो वो भी अब लाइव लेना शुरू कर रहे हैं, है नहीं। ये अच्छी बात है कि लोगों के डाउट तो भाई साहब ले लो कम से कम, डाउट नहीं लोगे तो क्या दिक्कत होगी, यानी फिर तो समझ ही नहीं आएगा कि बच्चा क्या प्रिपरेशन कर रहा है, कैसे चल रहा है। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो हर संडे शाम को 9 बजे मैं लाइव आता हूँ, इस संडे भी आऊँगा। आपके जितने प्रश्न हो आप वहाँ पर इकट्ठा कर लेना और 9 बजे आ जाना, ठीक है। तो आपके सारे प्रश्न मैं वहाँ पर क्लियर कर दूंगा और 90% लोग वहाँ से सेटिस्फाई होकर जाते हैं, 99 बोलो तो बुरा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि सभी लोग क्या है, जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो मुझसे लगाव करते हैं, वो ज़रूर आते हैं और उनको बहुत कुछ सीखने मिलता है, बहुत स्ट्रेटजी देखने मिलती है, क्योंकि हर बार मैं कुछ ना कुछ नया बताने का प्रयास करता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। फिर से मैं बोलूँगा, आपका सपोर्ट, आपका प्रेम इसी तरह बना रखे, चैनल को एक व्यक्ति के साथ शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।